नमस्कार, आप देख रहे हैं वैश्य व्यापार न्यूज चैनल। मैं आपके साथ माधुरी कश्यप। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी को एक शानदार एक्सप्रेसवे की सौगात दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने 341 लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर दिया है। ये एक्सप्रेसवे पूर्वी और पश्चिमी यूपी को जोड़ेगा। ये एक्सप्रेसवे लखनऊ के चांद सराय से शुरू होगा और गाजीपुर तक पहुंचेगा। बता दें कि इस एक्सप्रेसवे को बनाने में 22,497 करोड़ रुपए की लागत आई है। इन जिलों से होकर गुजरेगा एक्सप्रेसवे। बता दें कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के 9 जिलों लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, अयोध्या, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर से होकर गुजरेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने जुलाई 2018 में आजमगढ़ से इसकी आधारशिला रखी थी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री की ओर से एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने के बाद एक फिल्म भी दिखाई गई। इस कार्यक्रम में मौजूद सीएम योगी ने अपने संबोधन में जय हिंद और जय जय श्री राम का नारा भी लगाया। कार्यक्रम में पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में बन रहे राम मंदिर की रेलिपिका भेंट की है। अभी इस एक्सप्रेसवे को 6 लेन के साथ बनाया गया है, लेकिन भविष्य में इसे 8 लेन में भी किया जा सकता है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि इस एक्सप्रेसवे से गाजीपुर से दिल्ली पहुंचने में 10 मिनट लगेंगे। यूपी सरकार के मुताबिक इस एक्सप्रेसवे का काम जुलाई 2018 में शुरू किया गया था और 3 साल में यह पूरा हुआ है। इस एक्सप्रेसवे पर 18 फ्लाईओवर, 7 रेलवे ओवर ब्रिज, 7 दीर्घ सेतु, 104 लघु सेतु, 13 इंटरचेंज और 5 रैंप प्लाजा, 271 अंडर पासेज और 525 पुलियाओं का निर्माण किया गया है। फिलहाल लोगों को इस पर टोल टैक्स नहीं देना होगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे भले ही यूपी में बना हो, लेकिन इसका फायदा बिहार के लोगों को भी होने वाला है। आगरा एक्सप्रेसवे के बाद पूर्वांचल एक्सप्रेस के जरिए सड़क मार्ग से पटना से दिल्ली की दूरी अब ट्रेन से कम हो जाएगी। वहीं पीएम मोदी ने जब बिहार के लिए बड़ी बात कही, तो आइए आपको सुनाते हैं। इस एक्सप्रेसवे के बनने से अवध, पूर्वांचल के साथ साथ बिहार के लोगों को भी लाभ होगा। दिल्ली से बिहार आना जाना भी अब और आसान हो जाएगा। 340 किलोमीटर के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की विशेषता सिर्फ यही नहीं है कि ये लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, मऊ, आजमगढ़ और गाजीपुर को जोड़ेगा। इसकी विशेषता ये है कि एक्सप्रेसवे लखनऊ से उन शहरों को जोड़ेगा जिनमें विकास की असीम आकांक्षा है, जहां विकास की बहुत बड़ी संभावना है। सभी खबरें देखने के लिए बने रहिए वैश्य व्यापार न्यूज चैनल के साथ। नमस्कार।